एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहब हम गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट। 44 क्वेश्चन है, 2021 एडिशन है, रिटायरमेंट चैप्टर है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। ध्यान से देखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये रहा हमारा। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 240। तो आप लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 240। उसके बाद आपको बोला है मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू है 12 लाख, 12 लाख का 10% हो गया मेरा 1,20,000। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,20,000, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास अगला पॉइंट है प्रोविजन क्रिएट करनी है 5% डेटर्स पे। डेटर्स 4 लाख के हैं, 5% ऑफ 4,20,000 हो गया। तो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस तरफ दोनों तरफ का टोटल लिखूंगा, 240 में से ये 140 माइनस करा तो मेरे पास क्या आ गया, 1 लाख। 1 लाख को किस रेशो में बांट देंगे, 1 लाख को ओल्ड रेशो में बांट देंगे लीजा मोनिका निशा 2:1 रेशो में। मेरे पास कितना आ गया, 40, 40, 20। तो मेरे पास ये आ गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांट के। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कहता है, पर्टिकुलर्स लीजा मोनिका निशा, पर्टिकुलर लीजा मोनिका निशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस शीट से आएगा। बैलेंस शीट में देखें लीजा का 14 लाख दिया, इसका भी 14 लाख और इसका 3,60,000 दिया हुआ। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इधर था, इधर से मैंने इधर राइट ऑफ कर दिया 40, 40, 20। बैलेंस शीट से राइट ऑफ करने वाली कोई चीज क्वेश्चन में नहीं दी है। एक चीज है, वो कह रहे हैं कि पार्टनर स्टॉक ले गया, रिटायरिंग पार्टनर मोनिका 50% स्टॉक ले गई है। बैलेंस शीट में आपको स्टॉक 10 लाख का दिया था, 50% स्टॉक मोनिका ले गई है, तो हमने 2 स्टॉक लिख दिया मोनिका के अंदर 5 लाख का। रिटायरिंग पार्टनर 50% स्टॉक लेके जा चुकी है। अब मोनिका रिटायर करी है, अब आपको गुडविल दी हुई है फर्म की, कितनी दी है गुडविल, 3 लाख दी है। 3 लाख में से आपने किसकी गुडविल निकाली है, 3 लाख में से आपने मोनिका का हिस्सा निकाला है। मोनिका का हिस्सा कितना होगा 3 लाख में से, 3,00,000 × 2/5। मेरे पास आ रहा है बेसिकली 1,20,000। 1,20,000 आ गया हमारे पास। अब 1,20,000 को गेनिंग रेशो में बांट देना। गेनिंग रेशो क्या हो गई है मेरे पास, गेनिंग रेशो हो गई है 2:1। देखो गेनिंग रेशो 2:1 हो गई है, क्योंकि ये रिटायर कर गया, कोई नई रेशो नहीं दी है, तो 2:1 गेनिंग रेशो हो गई। तो मैं 1,20,000 को 2:1 में बांटा तो मेरे पास आ गया 80,000, 40,000। तो हम एंट्री कैसे डालते हैं, ये रिटायर कर गया, लीजा मोनिका गेनिंग पार्टनर है, लीजा सॉरी निशा गेनिंग पार्टनर है, लीजा और निशा बाय लीजा कैपिटल बाय निशा कैपिटल, और मोनिका रिटायर कर रही है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उधर टू मोनिका कैपिटल। हमारी मोनिका जो रिटायर कर रही है उसका गुडविल में हिस्सा 1,20,000 है, उसको गेनिंग रेशो 2:1, क्योंकि कोई नई रेशो नहीं दी है, तो ये जो बची है ये ही गेनिंग रेशो हो गई 80,000, 40,000। मोनिका की उल्टी तरफ निशा और लीजा और निशा है, तो लीजा निशा में चला गया, और लीजा निशा के उल्टी तरफ मोनिका है, मोनिका में ये चला गया। तो अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। जो बंदा रिटायर कर रहा है मोनिका, उस 15,60,000 लिखा, इधर भी 15,60,000 लिखा, उसमें से 5 लाख माइनस करा, 10,60,000 आ गया। वो हमारी क्या हो गई है, मोनिका का लोन। अब बाकी पार्टनर्स का 14,40 इधर लिखा, इधर भी 14,40 में से 80,000 माइनस करा, 13,60,000। ये मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन हो गया। यहाँ पे 360 + 20 = 380 में से 40 माइनस कर दिया है, तो मेरे पास कितना आ गया, 340। ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया। अब हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन है, वो इधर जाके क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस कैरेड डाउन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है क्वेश्चन में, तो हमारे ये कैरेड डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस बन गया 13,60, 3,40। उन्होंने बोला है कि अब ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हमारे को पता कैसे चला, वो कह रहे हैं कैपिटल फॉर्म की अब फिक्स हो गई है रिटायर करने के बाद मोनिका के 27 लाख। अब 27 लाख को नई रेशो में बांट दो, नई रेशो क्या हो गई, 2:1, क्योंकि कोई नई रेशो नहीं दी हुई, तो इसको काटा और ये जो बचा 2:1 वो नई रेशो हो गई है। तो पहले जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है बैलेंस कैरी डाउन, इधर जाके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, वो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मेरे पास टू बैलेंस कैरी डाउन कैसे आएगा, 27 लाख मेरे को कैपिटल नई फर्म की फिक्स कर दी हुई है, उसको 2:1 में बांटा, 18,09,000 आया, 18 लाख और 9 लाख आया। अब मैंने क्या करना है, इस तरफ टोटल करा 18,09,000 और यहाँ पे 18 लाख में से 13 लाख माइनस करा, तो 4,40,000। इसे करंट अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए बोला,
क्वेश्चन में कैश अकाउंट में भी एडजस्ट करने के लिए बोल सकते थे, पर इन्होंने करंट अकाउंट में बोला है क्वेश्चन में, तो मैंने करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। 9 लाख 9 लाख इधर 9 लाख लिख दिया, 9 लाख में से 3 40 5 लाख 60 हजार बना दी लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट है। तो अब हम बैलेंस शीट बना देंगे, ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई फर्क नहीं आया, बिल्स पेबल में कोई फर्क नहीं आया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कोई फर्क नहीं आया, कैपिटल्स हम लीजा और निशा की नई वाली लिख देंगे, ये 1360 और 340 नहीं ये वाली नहीं 1360 340 नहीं, बच्चे गलती करते हैं, ये फाइनल वाली कैपिटल कितनी है, ये 18 लाख 9 लाख ये वाली लिखेंगे, 18 लाख 9 लाख लिख दी। मोनिका जो रिटायर कर रही है उसका लोन देखें, मोनिका का लोन कितना है 10 लाख 60 हजार, ये रिटायर कर रही है ना मोनिका, तो मैंने इधर लिख दिया 10 लाख 60 हजार। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में फर्क आया था, मेरी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई थी 240 से, तो मैंने, मेरे को 10 लाख दिया था, 10 लाख में 240 प्लस करा तो मेरे पास कितना आ गया 12 लाख 40। मशीनरी 1 लाख 20 से कम हो गई थी तो 12 लाख में से 1 लाख 20 माइनस करा 10 80 आ गया। फिर स्टॉक 10 लाख का था, आधा ले गई थी मोनिका, 5 लाख का रह गया। फिर डेटर्स 4 लाख के थे, हमने प्रोविजन क्रिएट करी 20 हजार की, 3 80 के रह गए। बैंक में कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, अब करंट अकाउंट बैलेंस शीट में शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे करंट अकाउंट राइट साइड में है देखो, तो बैलेंस शीट में भी राइट साइड ही जाएंगे। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट में कोई चीज जाती है तो जिस साइड है यहाँ पे राइट साइड है, ये देखो राइट साइड में है, तो बैलेंस शीट के भी राइट साइड ही चले जाएंगे। देखो राइट साइड में लीजा और निशा का करंट डाल दिया, ये 440 और 560 यहाँ से 440 560। अब बैलेंस शीट का टोटल मैच करेगा, क्वेश्चन खत्म है। दी गई, दैट्स इट, बाय बाय।